हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा महात्मा गांधी ने जिद जहद आज़ादी को एक नया मोड़ दिया उसे आवामी तहरीक बनाया अशरफ या तबके से निकाल कर मिडिल क्लास गरीब मज़दूर किसानों के हाथों सौंप दिया आज़ादी के नारे सारे बड़े सगीर में गूंजने लगे उन्होंने मुखालफ साम्राज्य समतों का तयन किया उसे अमन वाशती से हम किया भाईचारे की तल्न की मुसलमानों को मोहब्बत से गले लगाया उनके एहसास का एहतराम किया खिलाफत तहरीक की मुकम्मल तायद की उसे कौमी यकजहती को बरूज पर पहुँचाया फ़िर परस्ती के बढ़ते हुए अंधेरे में अख़ोत व मोहब्बत की मशालें जलाईं अपने दुआया जलसों में गीता और इंजील के साथ कुरान शरीफ़ की आयतों का भी विद किया उनके लबों पर यही मुनाजात रही ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सम्मति दे भगवान आपने हजारों बरस आदर्शों में एक नई रूह फूक दी अहिंसा आदम तशद और सत्याग्रह का तजर्बा किया उसे बुजदली नहीं एक कुवत और नाकबिल तस्कीर जज्बे से मौसम किया महात्मा गांधी जैसी हस्तियाँ रोज़ रोज़ इस दुनिया में नहीं आती ऐसे अजीम इंसान सदियों में परद आफाक पर नमदार होते हैं और अपने कारनामों से आलम को रोशन कर देते हैं उनके यम विलादत के मौके पर हम यहाँ उन्हें खराज तहसीन देने जमा हुए हैं मैं दानश्वरों का तारफ़ कराता चलूँ हमारे यहाँ दरमियान में आलमी शहरत याफ्त मौरख प्रोफेसर रतन लाल हंगलू हैं उनका तारफ़ कराना सूरज को चराग दिखाने के मुतरदफ़ है ताहम मैं इतना कहता चलूँ कि वह हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के, के शब तारीख़ से वाबस्त हैं वो सदर शुब तारीख़ हैं उनका तस्तीफ़ो तालीफ़ का सिलसिला जारी व सारी है उनका इलम तबहर बेमिसाल है कई किताबें मंजर आम पर आ चुकी हैं और वो वेस्ट इंडीज़ की दानशगाह में बरसों तक पढ़ाते रहे हमारे दरमियान में डॉक्टर तहसीन बिलग्रामी साहबा मौजूद हैं वो मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के एकेडमिक स्टाफ कॉलेज में डिप्टी डायरेक्टर के अहदे पर फायज़ हैं उनकी किताब सोशो कल्चरल हिस्ट्री ऑफ हैदराबाद शाया हो चुकी है उनकी तारीख़ पर असली तारीख़ पर बिलखसूस गहरी निगाह है तो मैं सबसे पहले मुमताज़ मौरख दानश्वर प्रोफेसर रतलाल हंगलू साहब से ख़्वाहिश करूँगा कि वो महात्मा गांधी के कौमी यकजहती के नज़रिए को उजागर फरमाएँ महात्मा गांधी एक बैन अवी सतह है की एक बहुत बड़ी शख्सियत गुजरी है जी। और मुझे लग रहा है जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक महात्मा गांधी का नाम और महात्मा गांधी की कारनामे महात्मा गांधी के टीचिंग्स जो हैं लोगों के सामने आती रहेंगी जी। गांधी जी ने कई मसलों मसाइल पे मतलब काम किया है सबसे पहले उन्होंने तो सिविल राइट्स मूवमेंट जो साउथ अफ्रीका में स्टार्ट किया उन्नीस सौ के दौरान फिर 1915 में ही जब वो हिंदुस्तान आए तो यहाँ जंग आज़ादी जो पहले स्टार्ट हो चुकी थी इनफैक्ट उसको एक नई शक्ल बख्श थी जंग जी, जी, आज़ादी लड़ने के लिए हमें कई कौमों को कई आ, 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 अफराद को कई जमातों को इकट्ठे करके एक आज़ादी की जंग लड़नी थी तो इसलिए महात्मा गांधी जी ने क्या किया उन्होंने अमन सच्चाई और अहमसा का नारा दिया जी। इन तीनों चीजों की वजह से जो है पूरे कौम की पूरे हिंदुस्तान में एक एक जाति का माहौल बन पड़ा जी। और उसी के जरिए उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जंग छोड़ी जिसमें वो उन्नीस तक कामयाब रहे और अंग्रेजों को देश से बाहर कर दिया हिंदू मुस्लिम इतिहाद के लिए महात्मा गांधी ने क्या किया हिंदू मुस्लिम इतिहाद के लिए तो महात्मा गांधी जी ने काफ़ी कुछ किया है जी। क्योंकि अगर महात्मा गांधी जी और जिन्ना के जो इंट्रैक्शन हुई है जो डायलॉग रहे हैं जो जी, जी, जी। आपस में मतलब बातचीत चली है, अगर उसके नजरिए से देखा जाए तो महात्मा गांधी कभी भी देश का बंटवारा नहीं चाहते थे। महात्मा गांधी के दिल में हिंदू से ज्यादा मुसलमान के लिए जो है एक मोहब्बत और जगह थी तो वो कभी देश का बंटवारा इन चीजों पर नहीं चाहते थे आपको मालूम होगा कि जब सन सैतालीस में हिंदुस्तान का पार्टीशन हुआ तो महात्मा गांधी उस वक्त भी जो है पाकिस्तान जाने पर तैयार हो गए थे जी लेकिन बदकिस्मती से वो शहीद शहीद हुए और शहीद भी इसीलिए हुए क्योंकि वो कौमी यकजहती चाहते चाहते थे, थे। इसीलिए जो है समाज दुश्मन अनासर ने उनका कत्ल किया डॉक्टर तहसीन मोहतरमा <laughs> से दरखास्त करता हूँ कि वो महात्मा गांधी ने जो अन या छुआछुई की जो समाजी लानत है उसके खात्मे के लिए उन्होंने ज़िंदगी भर कोशिश की तो इस पहलू पर महात्मा गांधी के नज़रिए के इस एस्पेक्ट या इस पहलू पर आप थोड़ी रोशनी डालें ये जो मसला है गांधी जी ने शुरू किया था आज तक भी ये ज़िंदा है लेकिन इसके इकदाम भी कई किए गए हैं जो बिछड़ा हुआ तबका था उनको समाज में ज़्यादा जगह नहीं दी जाती थी शुरू से ही ये हुआ है कि ये बिछड़े हुए तबके के साथ अच्छा सलूक नहीं किया जाता था यहाँ तक कि वो अगर कहीं पानी लेने जाते थे तो उन कुओं पर आ, या जो है तालाबों पर भी उनको इजाज़त नहीं थी कि वो पानी लें मंदिरों में जाने की इजाज़त नहीं थी यहाँ तक कि वो सड़क तक भी इस्तेमाल नहीं कर सकते थे इसकी खातिर गांधी जी ने बहुत कुछ किया था वो वो नहीं चाहते थे कि समाज में इस तरीक़े के आ, आ, क्या तफरीछ क्या कहेंगे तफरी हो या दर्जा बंदी हो वो चाहते थे कि सब समाज एक हो और उनके नज़रिए में सारे लोग खुदा के बंदे थे और हिंदू तबके में ये तफरक़ा वो नहीं चाहते थे उस ज़माने में अंग्रेज़ ये चाहते थे कि एक पॉलिसी अख्तियार करें अलीहदा इनकलाबी पॉलिसी अख्तियार करें उसको भी गांधी जी ने तस्लीम नहीं किया और वो एक एक ऐसा समाज चाहते थे जिसमें कोई भेदभाव ना हो जिसमें कोई अछूत ना हो कोई ज़ात पात का कोई तस्वुर भी ना हो और ऐसी कौम को वो तश्ील देना चाहते थे जो एक हों और उनका मानना भी ये था कि हिंदुस्तान को आज़ादी जब ही मिल सकती है जब समाज में कोई भी दर्जाबंदी ना हो समाज में कोई भी जात पात के अछूत का कोई नज़रिया ना हो और उन्होंने एक लीग भी कायम की थी जिसको हम कहेंगे एंटी अनटचेबिलिटी लीग वो क़ायम किए थे और इस लीग में कई अनटचबल्स जो अछूत ख़ानदान के लोग थे शामिल थे लीडर्स शामिल थे जिसमें अंबेडकर भी शामिल थे और इस लीग का अहम मकसद ये था कि इनको फिर से वो सारी चीज़ें सहूलतें फराम करें जो बदसुलूकियाँ उनके साथ हो रही थी उसको ख़त्म करें और उस ज़माने में 1933 से लेकर 1934 तक वो 12,500 हज़ार किलोमीटर का दौरा किए हिंदुस्तान का और जगह जगह जाकर लोगों के लोगों को समझाने लगे कि ये समाजी मसावत होना चाहिए उस पर ज़ोर देने लगे और लोगों को समझाने लगे कि इस तरीके के तफरखा नहीं रखना चाहिए और इन इसी दौरान उन्होंने आ, आ, क्या कहेंगे आप चंदा भी इकट्ठा किया और ये जो एंटी अन्टचबिलिटी लीग जो उन्होंने क़ायम हाँ की थी बाद में उसका नाम पड़ा हरिजन सेवा संघ के नाम से वो मशहूर हुए थे और इस लीग के खातिर वो जगह जगह गए और चंदा इकट्ठा किए और ये सारे चीज़ों को दूर करने के लिए बहुत ज़्यादा इकदाम किए आज भी हम देखेंगे कि कई महामार पर कई गवर्नमेंट हायर uh, एजुकेशन में भी ये एक डिपार्टमेंट के तौर पर शुरू किया गया है एंटी जिसको हम बोलेंगे सोशल इंक्लूजन और एक्सक्लूजन मैकडोनल अवार्ड जब दिया गया था कि अलग-अलग इंतबी हल्के बनाए गए थे बिछड़े हुए तबात के लिए तो महात्मा गांधी ने उसको कबूल नहीं किया नहीं किया और उस सिलसिले में महात्मा गांधी ने इनडिफिनिट फास्ट रखा हाँ इनडिफिनिट जेल में ही थे जब बार्न हाँ। बर्थ रखा उन्होंने और जो जोरबादा जेल में थे जब ही ऐलान कर दिए थे कि वो मरण व्रत रखेंगे, रखेंगे जब तक का कि ये समाजी मसावत ये सेपरेट इलेक्ट्रेट याद हलकों के तस्वर को जब तक खत्म ना किया, किया जाए वो अपना क्योंकि हिंदू समाज मुतहदा है बिल्कुल सारा हिंदुस्तान एक है सारे अखवाम एक है हिंदू मुस्लिम कास्ट हिंदू बिश्रमी लोग ये सारे तफरक़े महात्मा गांधी ख़त्म करना चाहते बिल्कुल बिल्कुल उसके लिए उन्होंने अपनी जान को जोखों में डालकर मरण वर्त रखा और उस वक्त तक रखा वो जब तक के डॉक्टर अम्बेडकर ने उनसे सुलह नहीं की और फिर दोनों में गुफ्त गुप्त शनिद हुई और उसके बाद फिर समझे कहने काबिल तक वो एक हरिजन न्यूज पेपर भी चलाए हाँ, हाँ, न्यूज पेपर भी गुजराती में एक पर्चा निकालते थे और यंग इंडिया अंग्रेजी निकालते थे और 6000 हजार लफ्जों पर मुश्तमिल उन्होंने एक आर्टिकल भी लिखा था उसका आर्टिकल का हिंदू मुस्लिम टेंशन क्यूर्स काजेस एंड क्यूर्स वो ये चाहते थे कि कौमी इतिहादा हो।, हो ये उनकी सबसे बड़ी कोशिश थी और एक चीज़ मैं आप हजरात के गोशिक गुजार करना चाहता हूँ कि महात्मा गांधी की जिंदगी में ये फास्टिंग का बहुत अहम किरदार रहा, रहा, है। रहा है। उनकी दावती जिंदगी का एक बहुत अहम पहलू रहा है। मैं समझता हूँ कि ये फास्टिंग का तस्वुर अमली तौर तो पर महात्मा गांधी ने उसे अपनाया और अमली जमा पहनाया दुनिया के किसी भी मुल्क में किसी भी, किस भी रहनमां ने इस किस्म के हथियार को, हाँ। को एक रूहानी बिल्कुल, बिल्कुल। वो अपने पर वो करते थे अपनी जिंदगी को कुरबान कर देना चाहते थे किसी के लिए अच्छा डॉक्टर साहब मैं सिलसिले को आगे बढ़ाता हूँ आपसे ये अर्ज करना चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा महात्मा गांधी की नमक सत्याग्रह पर कुछ थोड़ी रोशनी डालिए लिए और नमक का जो कानून उस पर जो टैक्स फ्रिंगियों ने आय किया था उसकी वजह से किसान मजदूर और गरीब आदमी दबा जा रहा था और महात्मा गांधी का ताल्लुक खातिर हमेशा गरीबों से रहा है महात्मा गांधी ने डेंडी मार्च 1930 में शुरू किया 12 मार्च को जो कि 6 अप्रैल तक 1930 में चला जी और इसमें उनका साथ दो लोगों ने लोग उन्हें दिया जी। और जुलूस की शक्ल में 60,000 लोग इसमें शामिल हुए जिनमें लगभग तीस हजार लोग जो है अरेस्ट भी किए गए अंग्रेजों ने काफ़ी दबाव डाला और ये बुलबुल सरोज नायडू भी साथ थे सरोज नायडू भी साथ थी इनफैक्ट सरोज नायडू भी उनके जो दो लोग थे मतलब उनमें शामिल थी और साठ लोग बाकी जो है जुलूस की शक्ल में सूरत करके शामिल हुए और ये अहमदाबाद से दंडी तक निकाला गया और वहाँ पर उन्होंने जो है समंदर के किनारे दिखाया कि कैसे हिंदुस्तानी लोग खुद कफील हो सकते हैं नमक प्रोड्यूस करने में और जो कि अंग्रेज़ों को ये बात रास नहीं आई क्योंकि इसके एक बहुत ही ये नतीजा था कि हिंदुस्तानी लोग सेल्फ डिपेंडेंट हो सकते हैं तब तक जो है हमने देखा कि रोलट एक्ट के दौरान ही काफ़ी टैक्स लगाया गया था इनफैक्ट हिंदुस्तानियों पर तो इससे अंग्रेज़ों को मनवाने में जो है काफ़ी मतलब मशक्क़त करनी पड़ी महात्मा गांधी को और अंग्रेज़ों को मनवाने में काफ़ी कामयाब भी रहे जो बात आप कर रहे थे पहले इससे पहले कि आप जिक्र कर रहे थे महात्मा गांधी के रोज़ा कशी पर या फ़ाका कशी पर हाँ, इनफैक्ट हम देखते हैं कि जबकि महात्मा गांधी की ज़िंदगी का हम मताल करते हैं तो हम देखते हैं कि इस पर चूँकि वो जैन मजहब से थे और वैश्य कम्यूनिटी से ताल्लुक़ रखते थे बुद्धम का जैन मज़हब का और ट्रेडिशनल हिंदू मज़हब का भी हालांकि तमाम मजहबों का जो है मतलब काफ़ी असर रहा है उन पर लेकिन जैन मज़हब का हम देखते हैं काफ़ी इस पर मतलब रहा है हमने देखा कि जब वो वेजिटेरियनिज़म की बात करते हैं तो एक बार शेख महताब जो उनके दोस्त थे जब उन्होंने इनको बकरी का गोश्त खिलाया और अपने बचपन में ही इनफैक्ट तो तब अपने आप को ये गिल्टी समझने लगे कि हम कैसे अपने माँ बाप के सामने ये बात छुपाएंगे तो उस वक्त भी इन्ह ने ये फाका कशी जो है इख्तियार की लेकिन फाका कशी की हिंदुस्तानी तबारीख में हमें बहुत पुरानी एग्जाम्पल मिलती आ, है चंद्रगुप्त मौर्य ने भी आ, आ, हमारे कश्मीर कश्मीरी तवारीख में कलहन कहते हैं कि फाका कशी को संस्कृत में प्रयोपवीसा करते थे कहते थे तो प्रवयो जो पहली सातवीं आठवीं सदी में भी जो है हुआ इसलिए महात्मा गांधी हिंदुस्तान की तवारीख का भी पूरा मुतला किया या नमक सत्याग्रह जो सबरमती आश्रम से शुरू हुई उसकी खसूस ये भी रही है कि महात्मा गांधी ने तीन सौ मील का सफर पैदल किया हाँ जी तीन सौ मील का सफर पैदल किया पैदल किया और ये साठ हजार लोग उसके साथ, साथ तीन सौ किलोमीटर पैदल चले वाह उसी से अंग्रेजी हुकूमत हिल गई काफी हिल गई इनफैक्ट और जाहिर बात है कि उन्होंने एक अलामती वहाँ पे इजहार किया नमक के कानून को तोड़ा और सारे हिंदुस्तान के साहिलों पर लोग नमक साजी करने लगे, करने लगे उसका बहुत गहरा असर, असर जंग आज़ादी की तहरीक पर पड़ा मैं इधर फिर डॉक्टर तहसन बिलग्रामी की जानी आता हूँ और मैं उनसे ख्वाहिश करता हूँ कि वो हमारे हिंदुस्तानी समाज में महात्मा गांधी ने महसूस किया कि शराब जैसी लानत है और उस शराब का शिकार लोग न सिर्फ ख़ुद तबाह हो रहे हैं बल्कि अपने पूरे परिवार और ख़ानदान को भी बर्बाद कर रहे हैं लिहाजा उन्होंने तहरीक आज़ादी में बहुत से समाजी तामीरी, कंस्ट्रक्टिव असूलों को भी पेश किया जिसमें यह एक बहुत सुलगता हुआ मसला था नशाबंदी जी। जिसको आज भी हमारी बस रियाती हुकूमतें भी लेके बढ़ती हैं प्रोहिबीशन या नशाबंदी तो आप ज़रा नशाबंदी पर कुछ रोशनी डालिए समाज में ये ऐसी लाना थे जो कि दूर करना चाहिए इसके लिए उन्होंने आवाज़ उठाई और दिलोजान से कोशिश की कि समाज के समाज से नशाबंदी दूर हो नशाबंदी लाना दूर ख़त्म हो, खत्म हो। और ये जो पॉलिसी है सबसे पहले जब वो इरोड गए थे परियार के घर तो वहाँ पर जाने के बाद उनकी बीवी और उनकी बहन नागामल और खन्नामल दोनों ने वहाँ के जो देहाती लोगों के जो असरात थे नशाबंदी पे जो जो उनके बीवियों पर नशा करने के बाद बीवियों पर जो ऊआ करता था तो उसके बारे में समझाया और ये ये चाहा कि एक ऐसी पॉलिसी शुरू करें ताकि न, नशाबंदी का नश, खात्मा हो। नशे 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 होशिया का इस्तेमाल का खात्मा हो, हो और वहाँ पर लोग शराब पी कर अपने बीवियों पर जुल्म करते थे बच्चों के पढ़ाई पर तवज्जो नहीं देते थे और ना अपनी सेहत का ख़्याल रखते थे इस वजह से बहुत ज़्यादा समाज में ये बदवानियाँ फैल रही थी तो ये पॉलिसी वहीं से शुरू हुई परमल पे, पेर, पेरियार जो के गांधी जी के बहुत ही अच्छे दोस्त थे उन्होंने उनका साथ दिया और वो सारे नशाबंदी के जितने भी दुकानें थे पिकटिंग जो धरना किए और वो ख़त्म करना चाहते थे सारे हिंदुस्तान में और बरतानवी हुकूमत से भी दरख्वास्त की थी कि ये नशाबंदी के जो आ, दुकाने हैं उसको खत्म शराब की शराब पर, की पर पादन दी पादन दी दी लगा जब हम महात्मा गांधी की शख्सियत पर नजर डालते हैं जितनी भी प्रोटेस्ट मूवमेंट हिंदुस्तान में हुई जी, है जी, जी, या बाकी देशों में हुई है उन पर तो प्रोटेस्ट के लिए काफी मतलब एजुटेशनल मोड इख्तियार हाँ। होता था काफी जोर दिया लेकिन महात्मा गांधी जी की एक शख्सियत खाली इन्हीं की खाली एक शख्सियत है जो आ, खाली प्रोटेस्ट पर ही जोर नहीं देती लेकिन सामाजिक बुराइयों को दूर, दूर करने का भी जोर थी। वो बहुत क्योंकि इनका जो मास बेस्ड प्रोटेस्ट था तो आम लोग भी जो है उनका रहन सहन उनका बिहेवियर उनकी बाकी अखराजा वगैरह जो है उन पर भी काफ़ी ध्यान देते बिल्कुल सही और गांधी जी ये चाहते थे कि एक साफ़ सुथरा समाज हो जिसमें ये सारी चीज़ें पाकिजा समाज हो क्योंकि उनकी खुद जिंदगी इतनी साफ़ सुथरी पाकिज़ा और तखबे के साथ थी इसीलिए वो चाहते थे कि उनका हिंदुस्तानी समाज भी वैसे ही रहे बिल्कुल सही है प्रोफेसर साहब मैं आपसे ख़्वाहिश करता हूँ कि आप महात्मा गांधी के इस फलसफे को भी थोड़ा सा उजागर करें कि किस तरह से उन्हें सत्याग्रह को फ़र्ग दिया प्रमोट किया सत्याग्रह ही को उन्होंने बहादुर कहा एक शजी और दिलेर शख्स होता है सत्याग्रही लिहाजा जब हम देखते हैं कि आदम तशो नान कोऑपरेशन तहरीक में तहरीक मामल में जब चौरी चौरा में पुलिस स्टेशन में आग लग जाती है तो आप उसको मअतल कर देते हैं इस वजह से कि एक सत्या ग्रह ही तशद्द या वायलेंस का शिकार नहीं होता तो इस नज़रिए पर थोड़ी सी आप रोशनी डाली सत्याग्रह महात्मा गा, गांधी का जो है ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा रहा जैसे हमने पहले हम कह चुके हैं कि अहिंसा एक बहुत ही बड़ा एक मतलब औज़ार था, था उनके पास एक औज़ार था जंग आज़ादी लड़ने के लिए सत्याग्रह उसका एक दूसरा औज़ार था लड़ने के लिए क्योंकि वो वायोलेंस पर कभी भरोसा करते ही नहीं थे हालांकि मुल्क ने तो उनके मरने के बाद काफ़ी वायोलेंस देखी लेकिन उनकी ज़िंदगी में वायोलेंस कोई माने नहीं रखता इस पर जैसे हम कह चुके हैं कि बुद्धिज्म का काफी असर रहा है महात्मा गांधी की जिंदगी पे और कोई भी मजहब उन्होंने तमाम मजहबों का मुताला किया तो किसी का भी रहा जो है की का भी। है, किसी भी, मज़हब में इन चीज़ों कोई जिक्र नहीं कोई है जब हम कुरान शरीफ पढ़ते हैं तो वहां भी लिखा है तो महात्मा गांधी जी की लाइफ में जो है सत्याग्रह का काफी रोल रहा है और हर एक मरहले पर वो सत्याग्रह को सामने लाके मतलब अपना आगे वाला कदम उठाते थे ऐसा तो नहीं है कि महात्मा गांधी महसूस कर रहे थे कि हिंदुस्तान में जितनी भी तहरीकें इससे पहले चली थी और जब वो बंदूक के ज़रिए से या तलवार के ज़रिए से या ताकत के ज़ोर से तो उसको बुरी तरह से फ्रिंगियों ने अंग्रेज़ों ने दबा दिया था कुचल दिया था तो शायद वो नेशनल हिस्ट्री या कौमी तारीख से उन्होंने ये बसरत हासिल की थी कि आप तशद के जरिए से हम आज़ादी हासिल नहीं कर सकते अठारह सौ सतापन में भी काफी हो गई थी गदर बिल्कुल थी उनके एक सामें एक सामें 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 थी। सामने एक मिसाल थी और उनके सियासी पीरो मुरशद गोपाल कृष्णा गोखले थे और उन्होंने भी उन्हें यही हिदायत दी थी कि आप समझे कह रहे पहले अपने मुल्क के हालात का जायजा लें और एक साल तक महात्मा गांधी सारे मुल्क का दौरा करते रहे और मुाल करते रहे स्टडी करते रहे और फिर कौमी तारीख से भी उन्होंने काफ़ी सबक लिया काफ़ी और उनकी तहरीक कामयाब हुई एक ख़ास बात यह है डॉक्टर मैं बिलग्रामी से जानना चाहूँगा कि उन्नीस सौ सैतालीस पंद्रह अगस्त उन्नीस सौ सैंतालीस को हमारा मुल्क आज़ाद हो गया लेकिन महात्मा गांधी ने कोई उहदा कबूल नहीं किया जी। और पंद्रह अगस्त उन्नीस सौ सैंतालीस के दिन वो दिल्ली में नहीं थे वो कलकत्ते में थे जी। जहाँ फसाद हो रहे थे जी, जी। फसादात के चिंगारियों को बुझाने में वो शरारों को बुझाने में मसरूफ़ थे तो इतनी बड़ी कुरबानी उन्होंने दी और फिर आखिरी जब दिल्ली वापस हुए तब भी दिल्ली में बहुत ज्यादा शोरिश थी गड़बड़ हो रही थी आ, उन हंगामों के फरोह करने के लिए महात्मा गांधी ने मरम बट रखा और उन्होंने ऐलान किया कि ये उस वक्त तक रहेगा जब तक फसा खत्म ना हो और उसी दौरान उन्हें शहीद कर दिया गया मुल्क आज़ाद हो गया हर तरफ खुशियाँ मनाई जा रही हैं और ये हो रहा है लेकिन महात्मा गांधी कलकत्ते में सोगवारों के गम को बांटने में लगे हुए हैं इसीलिए कि इतने लोग मर गए थे उसके काफ़ी लोगों की जान चली गई थी तो वो नहीं चाहते थे कि इस तरीके से आज़ादी मिले ताकि हाँ। इतने लोग हाँ। मर जाएं वो तो नॉन वायलें अहिंसा को बहुत ज़्यादा अहमियत देते थे तो वो चाहते थे कि आज़ादी भी इस तरीके से मिले जहाँ पर लोगों के जानों के नुकसान ना हो ये थे वो। बेन पे देखा जाए तो महात्मा गांधी जैसा दूसरा नेता नहीं कोई नहीं, ना कोई पैदा... नहीं।, बेनजीर नहीं बेनजीर। तो। बेनजीर। तमाम को, को अगर बेनजीर। देखा जाए कहीं नहीं अब देखिए प्रोफेसर साहब के नवाखाली में जब फसादात का सिलसिला रुक नहीं रहा था तो महात्मा गांधी खुद बनफ से नफी से वहाँ पहुंच गए और पैदल गली गली कोचा कूचा जाते हैं घर घर जाते हैं और लोगों को तलखीन करते हैं समझाते हैं कि और चार महीने क्याम करते हैं नवाखली में वो चार और महीने जो तो। काफी फौज या मतलब काम नहीं कर सकते नहीं थे कर सकते सकते वो उनका सत्याग्रह कर सकता था वो अकेला वो अकेले ये एक ऐसा वेपन उनके पास था कि वो मतलब बड़ी जुद्द जहद में भी इसका लोगों को थ्रेटन करते थे कि भाई मैं सत्याग्रह पे जाऊंगा तो लोग इससे डरते थे और वो करते भी थे करते भी थे वो सिर्फ़ आर्म चेयर या थिंकर नहीं, नहीं थे अमली समझे गएते नुमा थे वो एक चीज़ ये है कि बरतानवी वज़ी अजम चर्चिल ने महात्मा गांधी के बारे में एक नाजेबा फिक्रा कहा आ, था जो तारीख़ में जी, आ चुका है इंडियन कहा जी, वो इंडियन फकीर नहीं थे वो दरवेशाना उनके अंदर सिफात थी और वो सबरामती के संत थे और हमारे राष्ट्रपिता हैं वो और उन्होंने जो वो लाइन क्लॉथ जो जेब करनी शुरू की तो सारे गरीब महरूम हज़ारों लाखों करोड़ों हिंदुस्तानियों से ख़ुद को

काफ़ी मतलब गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी होस्टिंग की गई लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं मैं मज़दूरों के साथ में लंकाशेर और मलिक उजमा बरतानिया ने जब उनसे मुलाकात का वो किया जैसा कि आपने फरमाया तो उनके एडीसी को महात्मा गांधी ने कहा कि एक कोट एक पॉइंट मेरे लिए नहीं चालीस करोड़ लोग मेरे लोगों के लिए कोट और पॉइंट चाहिए तब मैं वो पहनकर जेब करूंगा और फिर मलिक उजमा से मिलूंगा तो ये जो जज्बा था महात्मा गांधी का अपने आवाम के तल्लुक से अपने मुल्क के तल्लु से बिला लिहाजे मजहू महात्मा गांधी ही एक ऐसे कायदे जिनके दिलो दल्का साजी स नहीं बिल्कुल नहीं, नहीं था बिल्कुल और सारे लोगों को वो जो ये बोलते थे मसाव मसाव बिल्कुल समाजी समाज सब एक है खुदा के मखलूक है और सबको एक जैसा रहना चाहिए दर्जाबंदी के बिल्कुल ही वो खिलाफ और ना कोई मजहब मजहबों को फिर वारा तक करते थे नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल ही नहीं बिल्कुल नहीं, नहीं। खिलाफत तहरीक की उन्होंने मुकम्मल तईद की और मुसलमानों का साथ दिया और जब उन्होंने इक्कीस दिन का जब वर्त रखा एक दफा तो मौलाना मोहम्मद अली के मकान में रखा जी। ताकि सारा हिंदुस्तान सारी दुनिया देख सके कि मुसलमान में वो वर्त रख रहे हैं और जब वर्त तोड़ने का वो मौका आया तो उन्होंने कहा कि एक एंड्रोस को बुलाया ईसाई थे वो उनको बुला के कहा कि देखिए मेरे बर्थ जब तोड़ने का वक्त आएगा फास्टिंग का तो उस वक्त आप इंजील मुक़दस से आप कोई चीज़ें पढ़िए फिर उसके बाद इमाम साहब से कहा कि आप कुरान शरीफ के पहल पहली सूरत को आप पढ़ें सूर फातहा को और फिर विनोबा से कहा कि आप उपनिषद से कुछ श्लोक पढ़ें।, पढ़ें और राधा कृष्णा से कहा कि आप जो है गीता से कुछ पढ़ें इस तरह से जब तीन बजे के करीब जब वो अपना फास्ट या बर्थ तोड़ रहे थे तो डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी ने अपने हाथ से संगतरे का रस पेश किया और महात्मा गांधी ने उसे नोश फरमाया और अपने समरे के बर्त का अखता किया तो ये जो जज्बा है उनका इतिहाद का एक जहती का किसी इंसान का, में नहीं मिल सकता क्योंकि मिल हर मजहब को वो उतनी ही अहमियत देते थे दे जो कि वो अपने मज़हब को देते, 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 देते थे देते हर मजहब के साथ उनका मजहब ही इंसानियत इंसानियत था बिल्कुल स्वदेशी तहरीक के बारे में भी स्वदेशी तहरीक के बारे में कुछ कही स्वदेशी तहरीक बहुत ही अहम हिस्सा है जंग आजादी का क्योंकि जब गांधी जी ये देखे कि हिंदुस्तान की माशी हालात बहुत बिगड़ रहे हैं क्योंकि यहाँ से बरतानवी लोग खाम माल बरतानिया भी जाते थे वहाँ से अशिया बनते थे फिर हिंदुस्तान आते थे और हिंदुस्तानियों को बहुत ही ज्यादा दामों पर उसको खरीदना पड़ता था तो ये अच्छा, डॉक्टर साहब महात्मा गांधी रोजाना दोपहर में एक घंटा चरखा काटते थे चरखा काटते थे चाहे ये वो ये सफर में हो या हजर में हो या किसी तहरीक में हो या एक घंटा वो चरखा काटते थे तो यहाँ के तो जो माशी हालात थे।, थे उसको सुधारने के लिए उन्होंने चरखे का फ़रो दिया हाँ। और लोगों में ये जज्बा पैदा किया कि वो आ, बरूनी अशा हाँ इस्तेमाल करे करें।, करें और विदेशी चीज़ों को बाइकॉट करें और ये जो स्वदेशी तहरीक थी गवर्नमेंट के सतह पर भी बहुत ज़्यादा हलचल मचाई थी जैसे कि हम देखेंगे कि माशी माशी तरीक़े से जो कि विदेशी चीज़ों को बाइकॉट करना और सियासी लेवल पे सतह पे वहाँ के कई लोग जो है लेजिसलेटिव काउंसिल से इस्तीफ़ा दे देते थे या तालीमी हाँ, नॉन ना, कोऑपरेशन जो मूवमेंट उन्नीस सौ में चली तरक मावाल ये जिला मौलाना अबुल कलाम दी, 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 दी महात्मा मा, गांधी हाँ। को वो रेल में सफ़र कर रहे थे हाँ। उनको जाके तख्ती करना था हिंदुस्तानी में उतना इजहार नहीं कर सकते थे तो उन्होंने मौलाना नॉन कोऑपरेशन को उर्दू में क्या कहें तो तरक मावाल तो तरक मावाल में सिर्फ दर्जगाहों का मुखात नहीं है अदालतों का या अस्पतालों का बल्कि उसके साथ साथ बैरूनी मसनवा का भी मुखात बिल्कुल लोग अपने पास से लोग ला, चीजें लाकर जला जलाते नजरिया अंग्रेजों के दौरान हमारी जूट और स्टील इंडस्ट्री का काफी दबदबा था जी। लेकिन उसका पूरा मुनाफा अंग्रेजों के हाथ अंग्रेज चला, चला जाता था दोनों हाथों से यहाँ की हिंदुस्तानी दौलत छोटी बहुत ज्यादा बर्बाद हुई बिल्कुल हमारे हुनरमंद फनकार सब बेरोजगार हुए नाजरे ने क्राम अभी आपने शुरू महफिल से महात्मा गांधी की सीरत शख्सियत और कारनामों के बारे में सुना महात्मा गांधी उन्सी बरस तक बायद हयात रहे इस तवील अरसे में कई वाकियात और हादसा हैं हमने सिर्फ चंद एक वाकयात का अहता किया है और बहुत सी बातें हैं जिन पर रोशनी डाली जा सकती है वक्त ने हमें ज़्यादा मोहलत नहीं दी महात्मा गांधी को गुजरे हुए बासठ बरस हो गए लेकिन ऐसा लगता है कि वो अभी अभी दुनिया से रुखसत हुए हैं परदा फरमाए हैं महात्मा गांधी के अफकार आलिया पर वक्त की धूल नहीं जम सकी वो आज भी तरोताज़ा तोाना और ताबनाक हैं और हमेशा रहेंगे और हमारी कौमी ज़िंदगी को बागो बहार बनाते रहेंगे मजहब नहीं, नहीं सिखाता आपस में बैर रखना मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा